एक दीवार होगी, बहुत बुलंद होगी, उस पर कुछ लोग होंगे। उस दीवार या उस पर्दे का नाम क्या है? वो पर्दा ऐसा पर्दा नहीं होगा, सख्त, उसे दीवार भी कह सकते हैं। तो उस पर्दे पर, उस दीवार पर कुछ लोग होंगे। बाजों ने कहा कि वो हजरत अब्बास होंगे, हजरत हमजा होंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सल्लम के मुकद्दस चचा हजरत अब्बास, हजरत हमजा, हजरत जाफर, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहू, ये लोग जो है उस दीवार पर होंगे। बाज लोगों का ये बयान है, बाज मुफसरीन ने ये कहा है। और वो जो दीवार होगी, हिजाब होगा, उसका नाम क्या है? आराफ। क्या नाम है? आराफ। उस आराफ पर ये हजरत होंगे, हजरत हमजा, हजरत अब्बास, हजरत अली, हजरत जाफर, ये हजरत होंगे। ये भी रिवायत है। बाज ने कहा, बाज मुफस्सिरीन ने, कि आराफ पर अंबिया किराम होंगे और मगर ज्यादा राजे कौल ये है कि वो अंबिया नहीं होंगे आराफ पर, और ये हजरत हजरत जाफर, हजरत अली करमल्लाहु वजहू, हजरत अब्बास, हजरत हमजा भी नहीं होंगे। वो कौन होंगे जो आराफ पर होंगे? वो लोग मुसलमानों में ऐसे लोग होंगे जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर बराबर होंगे। नेकियां ज्यादा होंगी जिनकी, वो तो जन्नत में जाएंगे। जिनके गुनाह ज्यादा होंगे वो जहन्नम में जाएंगे, अगर अल्लाह करम ना करे, जहन्नम में भेजना चाहे। जिनके गुनाह और नेकियां बराबर बराबर होंगे, मिसाल के तौर पर 100 नेकियां हैं तो 100 गुनाह है, 1000 नेकियां हैं तो 1000 गुनाह है, दोनों बराबर हैं, दोनों का पलड़ा, दोनों पलड़े बराबर बराबर हैं नेकियों और गुनाह के, तो ऐसे लोग जो है वो आराफ पर होंगे। वबैनहुमा हिजाब अलल आराफी रिजाल यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम। वो आराफ वाले जो दीवार पर होंगे वो परेशानियों से समझ रहे होंगे कि कौन है ये लोग, जन्नत में और दोजख में जो लोग हैं उनको पहचान रहे होंगे। तो ये आराफ पर होंगे। हजरत सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ गया, मेरे वालिद माजिद शम्सुल मुफस्सिरीन फरीदुल असर हजरत अल्लामा अलहाज सैयद शाह मोहम्मद उमर आमिर कलीमी हसनी उल हुसैनी चिश्ती खादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़, हमेशा ये शेर पढ़ते थे जब इस आयत का की तफसीर करते थे। हजरत सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह गुलिस्तान उनकी मशहूर ज़माना अदब आलिया की किताब है। फारसी में 4 किताबें बहुत बड़े दर्जे की हैं। एक गुलिस्तान सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, उससे पहले फिरदौसी की लिखी हुई शाहनामा ईरान, और सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की गुलिस्तान सादी, और दीवान हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, और मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 किताबें फारसी अदब आलिया की माया नास किताबें, मशहूर किताबें। इन 4 किताबों में मसनवी शरीफ सबसे ज्यादा मशहूर और मकबूल है। तो सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गुलिस्तान सादी में, हुरा ने बहिश्तीरा दोज़ख बुआदारा, हुरान बहिश तीरा दो जख्बू दारा, हज दो जखियां पुरस के आराफ बहिश तस्त। जन्नत की हूरें आराफ पे जो लोग खड़े होंगे, जो लोग होंगे उनको देख के कहेंगी ये तो जन्नती लोग हैं, ये दो जख्मी लोग हैं, ये दो जख्मी जन्नत में रहने वाली हूरें क्या समझेंगी आराफ पे जो लोग होंगे उनको देखकर, ये दोजख के लोग हैं। ये दोजखियों से अगर पूछा जाए कि ये कौन लोग हैं आराफ पर जो हैं, तो वो कहेंगे तो जन्नती लोग हैं।
ये आराब जो है जन्नत का एक मकाम है भाई, जन्नती उनको कुछ समझ रहे हैं, जन्नती उन्हें दोजख समझ रहे हैं, दोजखी उन्हें जन्नत समझ रहे हैं। तो अब ये आराफ पर जो लोग खड़े होंगे, आराफ पर वो कहेंगे अस्हाबुल जन्ना को पुकारेंगे, जन्नत वालों को पुकारेंगे आराफ पर जो लोग होंगे। वनादौ अस्हाबल जन्ना, आराफ पर जो लोग होंगे आपको तो मैंने बता दिया कि ये लोग कैसे होंगे, इनकी नेकियां गुनाह दोनों बराबर, दोनों बराबर। तो ये जन्नतियों को पुकारेंगे, नादौ अस्हाबल जन्ना अन सलामुन अलैकुम, नादौ का मफूल भी है अन सलामुन अलैकुम, क्या निदा करेंगे कि सलामती हो तुम पर, सलाम हो, सलाम, जन्नतियों से कहेंगे ये आराफ के लोग। लम यदखुलूहा वहुम यतमाउन, जन्नत में अभी गए नहीं है, आराफ पर हैं, लेकिन उनको 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 ये होगा, उनको तमा होगी, उनकी ख्वाहिश होगी कि वो जन्नत में चले जाए, अल्लाह उन्हें जन्नत में भेज जाए, भेज दे। वइज़ा सुरिफत अबसारुहुम तिल्का अस्हाबिन नार, जब उनकी आंखें फिरेंगी, जब वो उनका रुख होगा जहन्नम की तरफ, अहले जहन्नम की तरफ, जब वो देखेंगे जहन्नमियों को, जब देखेंगे कालू तो कहेंगे रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिल ज़ालिमीन, ऐ हमारे परवरदिगार इन जालिमों में हमें शामिल न कर मौला। वनादा अस्हाबुल आराफ़ रिजालन यअरिफूनहुम बिसीमाहुम, और आराफ पर जो लोग होंगे वो लोग जहन्नमियों को देख के कहेंगे मा अग़ना अन्कुम जमुकुम, वो आराफ पर जो लोग होंगे वो जहन्नमियों को देख के पहचान लेंगे, उनमें जो गुनाहगार थे उनको इनको उनको ये जानते थे दुनिया की लाइफ में। तो आराफ पर जो लोग होंगे वो जहन्नमियों को देख के कहेंगे रिजालन यअरिफूनहुम बिसीमाहुम, उनकी उनके चेहरे से पहचान लेंगे जहन्नमियों में कौन कौन लोग हैं। कालू वो कहेंगे जहन्नमियों से मा अग़ना अन्कुम जमुकुम, आज के दिन आए जहन्नमी आए लोगो, तुम्हारे तुम्हारा जत्था तुम्हें काम नहीं आया, तुम्हारे काम नहीं आया, मतलब क्या दुनिया में तो बहुत से लोग तुम्हारे चाहने वाले थे, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत था, सैकड़ों की तादाद में तुम्हारे चाहने वाले थे और हजारों की तादाद में तुम्हारे तुम्हारी जय जयकार करने वाले मौजूद थे, तो आज तुम्हारी वो जमात तुम्हारा जत्था तुमको मदद करने के लिए आया नहीं। आज काम नहीं आया। वमा कुम तुम तस्तकबिरून, तुम जो तकबर करते थे तुम्हारा तकबर भी काम नहीं आया। तो मालूम यह हुआ बुरे लोग, खुदा बेजार लोग, खुदा के नाफरमान लोग अपने दोस्तों के काम नहीं आएंगे। हौसे आजम अपने दोस्तों के काम आएंगे, राजा अजमेरी अपने मानने वाले के काम आएंगे, अच्छे लोग अच्छों के काम आएंगे, अपने मानने वालों के काम आएंगे। तो ये आराफ वालों का वाकया है। उसके बाद होगा क्या आराफियों का हशर, आराफ पर जो होंगे उनका हशर क्या होगा। वो जहन्नमियों से कह रहे होंगे अहाउलाई लदीना अक्समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, जहन्नमियों से कहेंगे ये जन्नत में जो लोग हैं, जन्नत में जो लोग हैं तुम इनके बारे में कहते थे कि अल्लाह ताला इनको रहमत से नवाजेगा नहीं, अपनी रहमत से मालामाल नहीं करेगा, क्या इन लोगों को कहते थे, देखो जिनको तुम कहते थे ये अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगा, देखो वो लोग जिनको तुम कहते थे वो जन्नत में है, मालामाल हो रहे हैं अल्लाह की रहमतों से। जन्नतियों की तारीफ करेंगे दोजखियों के सामने, अहाउलाई लदीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा। ये इसके बाद अल्लाह तबारक जन्नतियों की तारीफ करने से अल्लाह खुश हो जाएगा, क्या करेगा उदखुलुल जन्ना, ये आराफ पे रहने वाले लोग और सब जन्नत में दाखिल हो गए, जन्नत में जाओ। ला खौफुन अलैकुम, आज के दिन तुमको कोई खौफ नहीं, भला अंतुम तहजनून, तुम गमजदा नहीं हो, जाओ जन्नत में रह जाओ हमेशा के लिए। ये अल्लाह का करम है, जिसे चाह उसको नवाज दिया। बंदगाने खुदा अर्ज कर रहा था